हमारे पास मस्तिष्क का यही सामान है मौला। मदीने की गली हम सबके जन्नत के बदले में ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। ये सौदा हम नहीं करते, हमें नुकसान है मौला। जो जहाँ बैठा है वही बैठा रहे। मैं बहुत मुख्तसर में अपनी बातें करूँगा। इस कायनात में जितनी चीजें हैं ना, हर चीज की एक रूह है, हर चीज की एक रूह है। हमारा जिस्म है जिसकी रूह है। अगर रूह ना रहे तो जिस्म का कोई काम है? आप बताए 20-25 मिनट आप सुन ले। ये हमारा जिस्म है, हमारे जिस्म में एक रूह है। रूह जब तक है हाथ काम करेगा, रूह जब तक है पैर काम करेगा, रूह जब तक है आंखें काम करेंगी, रूह जब तक है कान काम करेगा, रूह जब तक है नाक काम करेगी, रूह जब तक है जबान काम करेगी, रूह जब तक है जिस भी काम करेगा। अगर रूह ना रहे तो हाथ रुक जाएगा, पैर रुक जाएगा, आंखें रुक जाएगी, कान रुक जाएंगे, जबान रुक जाएगी। यानी रूह का ताल्लुक अगर जिस्म से रहे तो जिस्म जिंदा है, हाथ जिंदा है, पैर जिंदा है, आंखें जिंदा है, जबान जिंदा है, नाक जिंदा है, कान जिंदा है। और अगर रूह नहीं तो फिर हाथ मुर्दा है, पैर मुर्दा है, कान मुर्दा है, आंखें मुर्दा है, जबान मुर्दा है, हमारा जिस्म मुर्दा है। रूह के बगैर जिस्म बेकार है। जो जिस चीज की रूह है, अगर रूह के बगैर कोई शय पाई जाए तो उस शय का कोई वजूद नहीं है, उसका कोई काम नहीं है। बस यही समझाना है आपको। आए देखे, हम इस्लाम वाले हैं, हम कुरान वाले हैं, हम ईमान वाले हैं, हम नमाज पढ़ने वाले हैं, हम रोजा रखने वाले हैं, हम कुरान की तिलावत करने वाले हैं। जब हर चीज की रूह है तो फिर नमाज की भी रूह है, रोजे की भी रूह है, ज़कात की भी रूह है, हज की भी रूह है, इबादत की भी रूह है, तिलावत की भी रूह है, सदके की भी रूह है, बंदगी की भी रूह है, तस्बीहुल तहलील की भी रूह है। अब जरा कपलपुर के लोगों, अपने जहन को करीब कीजिएगा, जरा नमाज से पूछे, नमाज तेरी रूह क्या है? तो नमाज में आवाज थी, मेरी रूह ईमान है। मैंने रोजे से पूछा, रोजे ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने जकात से कहा, जकात ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने हज से पूछा, हज ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने इबादत से पूछा, इबादत ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने तिलावत से पूछा, तिलावत ने कहा मेरी रूह ईमान है। मैंने सजदे से पूछा, सजदे में मेरी रूह ईमान है। ईमान है तो फिर नमाज नमाज है, ईमान है तो रोजा रोजा है, ईमान है तो जकात जकात है, ईमान है तो हज हज है, ईमान है तो इबादत इबादत है, ईमान है तो तिलावत तिलावत है, ईमान है तो सजदे सजदे है, ईमान है तो जिंदगी जिंदगी है, ईमान है तो तस्बीहुल तहलील तस्बीहुल तहलील है। और अगर ईमान नहीं तो फिर नमाज नमाज नहीं, रोजा रोजा नहीं, हज हज नहीं, जकात जकात नहीं, इबादत इबादत रही, तिलावत तिलावत रही, संस्था संस्था नहीं, जिंदगी जिंदगी नहीं। हर एक की रूह है, नमाज की रूह ईमान, रोजे की रूह ईमान, जकात की रूह ईमान, हज की रूह ईमान, इबादत की रूह ईमान, तिलावत की रूह ईमान, सत्य की रूह ईमान, गंदगी की रूह ईमान, तस्वीर महलील की रूह ईमान। ईमान तेरी रूह क्या है? तो ईमान ने जवाब दिया, सबकी रूह ईमान है, और ईमान की रूह मोहब्बत रसूल है। ईमान की रूह मोहब्बत रसूल है।
अगर मोहब्बत रसूल है तो ईमान है, अगर मोहब्बत रसूल है तो बंदा मोमिन है, अगर मोहब्बत रसूल है तो बंदा ईमान का दावा कर सकता है। ईमान का ताल्लुक मोहब्बत रसूल से है, असले ईमान मोहब्बत रसूल है, असले ईमान मोहब्बत रसूल है। अगर मोहब्बत रसूल नहीं तो फिर सत्य करते करते दुनिया से चले जाओ, कयामत के दिन तुम्हें उनके उसके कुल सत्यों का कुल फायदा आप हद करके चले जाओ। 2-4 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, ईमान नहीं तो आपके हज का कोई मतलब नहीं, कयामत के दिन उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। असल ईमान है, ईमान के बाद फिर अमल है। अल्लामा मुस्ताक मुकामी अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अमल ये मनारे निजात नहीं बल्कि हकाइक मनारे निजात है। समझ रहे हैं आप, हकाइक मनारे निजात है। पूरी पूरी रात अगर नमाज में तकलीफ हो, हकाइक से खाली हो, तो फिर ऐसी तकलीफ का कोई फायदा नहीं। पूरी रात लड़कियों की अकबर बयान की जाए, अकीदे की बात ना की जाए, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। पूरी पूरी रात जहेज पर तकलीफ हो और हकाइक से खाली हो, तो फिर ऐसी तकलीफों का कोई फायदा नहीं। जो असल है वो तुमने छोड़ दिया, जो असल है वो हमने छोड़ दिया। हर बंदे मोमिन ये जानता है कि जहेज का मुकाबला अच्छी बात नहीं, नमाज छोड़ देना अच्छी बात नहीं, रोजा छोड़ देना अच्छी बात नहीं, मगर मेरे भाई ये बहुत कम लोग हैं, आज भी ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि 50 किलो की लड़की लाना ये दाई है, 50 किलो के यहाँ खा लेना ये दाई है। अब तो ऐसे भी लोग भी पैदा हुए जो ये कहने लगे वहाँ भी के यहाँ खाने से कोई वहाँ भी नहीं होगा, देवबंदी के यहाँ खाने से कोई देवबंदी नहीं होगा, लालची के यहाँ खाने से कोई लालची नहीं होगा, लालची के यहाँ खाने से कोई लापूजी नहीं होगा। मेरे भाई ये वो बोल भी है जो दीन का फिलहाल नहीं बल्कि दीन का तलाल है। समझ रहे हैं आप, दीन का तलाल है। मेरे ताल श्रीया बहुत पहले का सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुनी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। अच्छा ये है कि आज अकीदे की बात जब की जाए तो यूट्यूब पर सुनने वाले लोग को अकीदे की बातें जब तो वो सुन ही नहीं जाए, जब से भी मरे के लिए होने लगे जाएगा तो कहेंगे मजा नहीं आया, फला की तकलीफ में मजा नहीं आया, फला की नाक में मजा नहीं आया। ये नहीं सोचेगा बयान क्या किया, ये नहीं सोचेगा बोला क्या गया। मैं इसलिए कह रहा हूं सुने मेरी बात, अल्लामा कुतुबुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें दुनिया हुजूर मलकुल उलमा कहती है, आपने एक किताब लिखी नमाज की अज़मत पर। और जब हुजूर आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में लेके पहुंचे रहा हुजूर आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर जरा इसे देख ले। आला हजरत सरकार ने फरमाया क्या लिखा है, कहा हुजूर नमाज की अज़मत पर पूरी किताब लिखी है। आला हजरत ने उसे लगा नहीं बल्कि वो किताब की तरफ इशारा करते हुए फरमाया इसे लेकर के जाओ और याद रखना मेरी इस बात को, मेरे आला हजरत फरमाते हैं तुमने जितनी मेहनत नमाज की अज़मत पे किताब लिखने पे की है अगर इतनी मेहनत हकाइक के हवाले से कर लेते तो ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं तुम्हारी नस्लों के लिए मगफिरत का सामान बन जाती। मगफिरत का सामान बन जाती है। जलसों का मकसद बहुत हो गया, उनको लोग बुलाना चाहते हैं जो कड़वी बातें मारते हैं।
उनको लोग बुलाना चाहते हैं, जो मीठी मीठी बातें करके चले जाए। कितने आप बेवकूफ ही कहूंगा कि 20-25 हजार रुपए जमाना देने के बाद आपने पूरी रात वो बातें सुनी है जिन बातों से आपका अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं है। और जबकि आप जानते हैं कि जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं है उस वक्त का कोई फायदा नहीं। एक आदमी ने 1 लाख रुपए मुस्लिम को दे दिए, दूसरे आदमी ने उठ करके सारी चटाइयां मस्जिद में ला के रख दी, तीसरे आदमी ने मस्जिद का फर्श बंधा दिया, चौथे आदमी ने मस्जिद का पूरा लिंटर डलवा दिया, लेकिन अकीदा उसका दुरुस्त नहीं। आप यहाँ से लेकर के सही सही तक जाए एक ही बात आपको मिलेगी, और वो बात यही है कि मकबरा उसकी होगी, तख्ती उसकी होगी, निजात का परवाना उसे मिलेगा जिसकी बोली ये है उन्हें जाना उन्हें पाना न रखा गए से कहा नहीं अंत में दुनिया से निकलना। खुदा के लिए अकीदे की बातें अपने इमाम के पास जाकर के सीखा। इतनी तरक्की के दौर में भी लोगों को यह नहीं पता मदरसों को यहाँ करना चाहिए थे, उनके यहाँ आना चाहिए थे, उनके यहाँ उन्हें अपने घर बुलाना चाहिए थे। और अगर कोई ऐसा करते हुए मिलेगा तो समझ जाना इसका आज ये है हम जो पूरे के शरम उनको भी दे देंगे। हाँ रास्ते मत खराब करना, समझ रहे हो, रास्ते मत खराब करना। जहां का सहारा आपकी कब्र में नहीं जाता, 9 महीने तक पेट में रखने वाली मां, 2 साल तक अपना खूने जिगर पिलाने वाली मां जब कब्र में तेरे साथ नहीं जाती, तेरा भाई तेरे साथ नहीं जाता, तेरी बहन तेरे साथ नहीं जाती, तो फिर ये आलिम ये इमाम ये हाफिज ये कारी ये पीर तेरी कब्र में कहां से चला जाएगा। अपने आप को धोखा ना दे और ऐलान कर दे हमारी वही बोली है जो खुदा की बोली है। दुश्मन अहमद को शिक्षक की दी है, मुरीदों से क्या मेरे खुद की दी है, मैं तुम्हें चल जाए ये तीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत की दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह की कसरत की दी है या रसूल अल्लाह की कसरत की दी है। इमाम साहब को पता चला कि लड़का वहां भी इमाम साहब ने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया, उजले की कड़ी लगा ली, अंदर सो गए। दादी वादी तो हो गए, क्योंकि अगर ना पढ़ाने वाले हैं तो उनसे ज्यादा पढ़ाने वाले हैं, 1,000-2,000-5,000 पे बिकने वाले आप भी सैकड़ों मोल भी है, समझ रहे आप। निकाह तो हो गया, अब उसके बाद लोगों का आपको रहने नहीं देंगे, आपका मुकल्ला छीन लेंगे, आपकी इमामत खत्म करवा देंगे, आपको रुकने नहीं देंगे। भाई जुर्म क्या है आप बताइए, जुर्म क्या है? यही ना एक बदल ईदे का निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया, उसकी शादी में शिरकत करने से इनकार कर दिया। ये कब तक दुनिया में खाई गया, कब तक दुश्मन के दफ्तर काम पर तोड़ खाया गया, कब तक ये रिश्ते चलाया गया। एक दिन उसकी भी सांसें रुक जाएगी और आपकी सांस टूट जाएगी, फिर याद रखिएगा आपके डॉक्टर होंगे ना वही आपको होश देंगे, वही कदम पहनाएंगे और वही बेहदी के साथ में आपको कदम में छोड़ करके चले आएंगे। बाप साथ नहीं, माँ साथ नहीं, भाई साथ नहीं, बच्चे साथ नहीं, अभी जो अभियान साथ नहीं, रिश्तेदार साथ नहीं, कोई साथ में नहीं है। अब उस वक्त जब खबर में हुजूर आएंगे मुझे पता कि कौन है, क्यों लेकर के कहेगा या रसूल अल्लाह आपको
गुलाम है, या रसूल अल्लाह हम आपके आशिक है, या रसूल अल्लाह हम आपके दीवाने हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके चाहने वाले हैं। अगर तूने ना तो मेरे हुजूर भेजेंगे बाप के दुश्मन को अपने घर में ही बुलाया, माँ के दुश्मन को अपने घर में ही बुलाया, तो फिर मेरे दुश्मन को अपने दस्तरखान से गंदा पानी करके बुलाया, मेरे दुश्मन को अपने दस्तरखान से बिरयानी कैसे बुलाया। तो याद रखिएगा, अगर मदीने वाले ने तेरा फेर लिया तो ये नमाज तेरे दूसरे आप दी जाएगी, ये रोजा तेरे दूसरे आप दिया जाएगा, ये इबादत तेरे दूसरे आप दी जाएगी। इसलिए मेरे भाई आज के स्तर पर ये फैसला कर और फिर ये ऐलान कर, या रसूल अल्लाह जो आपका है वो हमारा है, वो जो आपका नहीं वो हमारा हो नहीं सकता। दुनिया में रहे ये नारा लगा तुझे और जन्नत से क्या मतलब, बात ही दूर है हम रसूल अल्लाह के जन्नत रसूल जन्नत रसूल हुजूर की मोहब्बत को अपने सीने में बिठा, इबादत और तिलावत बाद में करो, हुजूर के सच्चे दीवाने पहले। जब हुजूर की मोहब्बत मुकम्मल होगी ना तो फिर नमाज मुकम्मल हो, रोजा मुकम्मल हो, हज मुकम्मल हो, ज़कात मुकम्मल होगी, इबादत और तिलावत मुकम्मल होगी। और मेरे दोस्त मोहब्बत रसूल के बताए जाए जिंदगी भर सच्चा करते रहे, जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उन्हें बदर के नमाज पढ़ी और दोहर से पहले पहले जाके उनके दुश्मन के यहाँ शरबत पी के आ गया, जो अपनी नमाज पढ़ी असर आने से पहले पहले हुजूर के दुश्मन के दस्तरखान पर पहुंच के बिरयानी खा के आ गया। याद रखना, ऐसे तेरी इबादत को तेरे बेहतर कलावत को बिगाड़ा जाएगा और तेरे अफसोस होगा, मगर याद रख तुझसे कहा जाएगा कबाब तू धीरे के भाई जैसा तूने लोया वैसा काटने के लिए तैयार हो जाओ, मगर कुछ दीवाने मैदानी कयामत में होंगे जो गुनहगार होंगे, सियाकार होंगे, सताकार होंगे, मुजरी में काकार होंगे, मगर फिर भी मैदानी कयामत में उनके लबों पे मुस्कुराहट होगी, उसकी वजह से होगी कहीं से लोग बुला रहे होंगे, कहीं मोहब्बत में मोहब्बत सच्ची है, हुजूर से मोहब्बत पक्की करे, ये आधा पीकर आधा बटे नहीं चलने वाला, ये यहाँ जैसा क्या होगा सर, मगर कब्र में जब पहुंचेंगे ना नहीं चले, हाथ में चलेगा नहीं चलेगा, हाथ को हर पीए का हिसाब देना पड़ेगा, जुर्मी छोड़ दे यकरम हो जा सरासर मुंह या के बताती है कि यहाँ इमाम को खाता हुआ आलम उसके पीछे नमाज ना पढ़े, हाँ ऐसा मौलवी ऐसा पीर ऐसा आलम ऐसा खतीब जो हुजूर के दुश्मनों से रिश्ता चलाता उसका ताल्लुक जख्म कर दे उससे अपना रिश्ता, वरना दुनिया भी तबाह हो जाएगी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। रिश्ता उससे जोड़े जो हुजूर का है, रिश्ता उससे रखे जो हुजूर का सच्चा दीवाना है, और मोहब्बत करे तो बिल्कुल सच्ची बिल्कुल पक्की, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत के आपके दिल की आवाज आपके कानों तक आने लगे, तेरे सत्ते चलने से छुटे सकते जो आग बुझा देगी मेरे आग लगाई। ये मोहब्बत नहीं, हमने आपसे कहा है नबी के दुश्मनों से रिश्ता तोड़ दे, जब से एक आदमी खराब होगा अंदर मेरे कानून है, मेरे मामू है, मेरे फूफा है,
मेरे चाचा है, मेरा सगा भाई है, तू भाई की बात करता है, बाप को छोड़ना पड़ेगा, माँ को छोड़ना पड़ेगा, अगर भाई हुजूर की ना तो खानदान खानदान सबको छोड़ना पड़ेगा। ये एक दिल है ना, इस दिल में या तो हुजूर होंगे और या हुजूर का दिल पर होगा। आप फैसला आपको करना, आसान नहीं है छोड़ना, मगर जब हुजूर की खातिर करेंगे ना तो सब कुछ आसान, सब कुछ आसान। आप उठाए ना चाहिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे आपके पास है और कहा कि जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था तब मुझसे जंग में आपका मुकाबला हुआ था, आप मेरी तलवार के नीचे तीन बार आए और मैंने तीनों बार ये सोच के छोड़ दिया था कि आप मेरे बाप हैं, अगर मैं आपकी तलवार के नीचे आ जाता तो क्या आप मुझे बेटा समझ के छोड़ देते? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बेटे अगर तू मेरी तलवार के नीचे आया होता तो ये ना सोचता तू मेरा बेटा है बल्कि तेरा सर कम से खुदा का बेटा, और ये सोचता मेरे सामने जो है वो मेरे महबूब का दुश्मन है, मेरे महबूब का दुश्मन है। ये बात है ना चलेंगे, यही है ना चलेंगे, क्या होते खान साहब ये कैसे में काम चल जाएगा, ये कैसे में काम चल जाएगा। मेरे भाई मोहब्बत करे मां से, ऐसी मोहब्बत करे घर से, मोहब्बत करे मेरे सरकार की बारगाह में सहाबी है, आपको सोने की अंगूठी है, मेरे हुजूर ने देखा तो चेहरा फेर लिया, रोए वर्ष किया या रसूलल्लाह क्या बात है, आपने चेहरा क्यों फेरा, मेरे हुजूर फरमाते हैं ये आप में क्या पहने हैं या रसूलल्लाह, ये सोने की अंगूठी है, मेरे हुजूर ने फरमाया अगर कयामत के दिन इसी जमीन में आग का कोयला पहनाया जाए तो क्या बर्दाश्त कर लेगा, नहीं या रसूलल्लाह ये नाजुक का बदन ये आग का कोयला कैसे बर्दाश्त करेगा, मेरे हुजूर ने फरमाया तो फिर कंकाल के फेंक दे, उस सहाबी ने ये नहीं देखा ये कीमती है बल्कि ये देखा कि मेरे महबूब ने क्या करा है, अंगूठी को उठाया और फेंक दिया, बोल दे यार रसूलल्लाह अंगूठी को उठाया फेंक दिया। जब मेरे महबूब चले गए दोस्तों ने कहा भाई इसे उठाओ बाहर चले जाओ इसे बेच ले और जो कीमत लेना उसका राशन वगैरह लेके घर चले जाओ, महीनों चलेगा तो मालूम है उस सहाबी की आंखों में आंखें आ गया और रोकर के कहा मेरे दोस्तों को तुम्हारा जो नश्रिया था ना उसका शुक्रिया, मगर याद रखो जिसे हुजूर ने अपनी नजरों से गिरा दिया है उसे देख के उसकी कीमत मैं अपने घर वालों को खिलाऊ ये भी मेरी मोहब्बत को कमाने लगी है, ये भी मेरी मोहब्बत को मोहब्बत किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, उल्फत किसे कहते हैं, लगाव किसे कहते हैं, वक्त बहुत सारा हो गया। नतीब मेरे पास का जो आने वाले हैं वो आपकी खुद के खुशी खुदी है, अल्लाह आपको सलाम करते हैं और जिंदगी में अल्लाह ने लिखा होगा तो फिर मुलाकात और कहते इतना जा रहा था अभी तक जैसी आपने जिंदगी गुजारी अपने गुनाहों से तौबा कर लो और सिर्फ एक चीज का अहद कर लो कि सबसे पहले हमें अपने अतीते को देखना है, अपने अतीते को संवारना है और मेरा अतीता कहीं खराब न हो जाए, ऐसे लोगों से रखना है जिंदगी गुजारना है, जिसम की एक एक सांस कहे कल तेरे रास्ते जाएगा, एक इच्छा नहीं जो आएगा ये जगह को भी नहीं मिल पाए कल था करो ऐसे।